आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ जजमानी व्यवस्था। मैंने तुमसे अभी अभी पूछा था, क्या तुम्हें कहानियां याद है? अब मुझे बताओ बेटा, कौन सी? दीपशिखा? कोई कहानी याद है? कौन सी? कोई भी? बहुत सारी। एक कोई भी एक नाम, जैसे अभी ऐश्वर्या ने बताया कौवे की पानी वाली, और सना ने बताया कि खरगोश और कछुए की दौड़ वाली, ठीक है? रिया, ओ रीता, बहुत सारी कहानियां। आकांक्षा, बंदर और मगरमच्छ वाली की दोस्ती होती है। कहने का मतलब, कहानियों को हम बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं तो वो हमें याद रहती है। अगर मैं, ऐश्वर्या ने कौवे और घड़े वाली कहानी बताई, और ये तो इसने सजेस्ट किया, अगर मैं दीपशिखा से पूछूंगी, दीपशिखा ये कहानी पूरी बता देगी, मुझे याद है दीपशिखा। सना, तुम्हें याद है? पूरी याद है। ऑब्वियस सी बात है, कहानियां हमारी मेमोरी में फीड हो जाती हैं। कभी भी कोई हमसे पूछ ले और मैं तुमसे कहने लगूं, बच्चों ये वाली कहानी मुझे लिख के दिखाओ, तो मुझे पूरा यकीन है 90% तुम लोग इसको बहुत अच्छे से लिख दोगे, ठीक है? सोशियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, देखो टॉपिक्स में मैं ये मानती हूँ 20% तुम्हें ग्रेस्प करना है, बाकी तुम्हें अपने से समझना है। और सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, तुम सारे सब्जेक्ट की यदि एक ट्रिक निकाल लो, तो इस ट्रिक में क्या होता है, इस ट्रिक के जरिए तुम किसी भी टॉपिक को आसान बना सकते हो। जैसे अभी मैं इस बच्चे से डिस्कस कर रही थी कि बेटा अपनी थोड़ी जो हमारी हैबिट होती है उनको चेंज करना पड़ता है। हम कई बार कहते हैं हमारे अच्छे नंबर नहीं आते, नंबर कम आते हैं, उनको कैसे आगे अच्छे लाया जाए, तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। समय रहते यदि हम उनका पालन कर लेंगे तो सब चीज बहुत आसान हो जाती है। आ रही हूँ जजमानी व्यवस्था। देश आजाद होने से पहले तुम्हें पता है भारत की 85 से 90%, 85 to 90% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी? गांव में। नगरों की जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत था। अब यदि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं, गांव का जो सिस्टम था, उस गांव के सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर हम देखें जमींदार लोग हुआ करते थे। गांव होता था, सरपंच व्यवस्था, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में ऐश्वर्या पता है क्या होता था? जमींदार कौन होते थे? बिल्कुल, जमींदार क्या होते थे? गांव की लगभग बहुत बड़ी भूमि का हिस्सा उसके पास होता था। वो लोगों को अपने यहाँ काम पे रखता था, लोग उसके बदले में उसको मुनाफे में से या उपज जो होती थी वो जमींदार को हिस्सा दे देते दे थे। या एक शब्द आता है लगान, तुमने अगर कभी सुना हो लगान, ठीक है? एक तरह से टैक्स के रूप में अंग्रेज लगान भी वसूलने लगे थे। तो इसी तरीके से साहूकार तुमने सुने होंगे। साहूकार क्या होते थे? साहूकार गांव के सीधे साधे भोले भाले किसानों की जो छोटे छोटे भूमि या कुछ संपत्ति के जो होते थे, उन्हें जब पैसे की जरूरत होती थी तो वो अपने यहाँ गिरवी रख लेते थे और एक ब्याज पे उनको पैसा देते थे। अगर किसान ब्याज नहीं दे पाया तो साहूकार उसकी पूरी भूमि ले लेता था। ब्याज बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, मूलधन से ज्यादा ब्याज हो जाता था, जिसके कारण वो अपनी घर भूमि साहूकार को देने में मजबूर हो जाता था। हमारी बहुत सारी पुरानी जो फिल्में हैं इसका साक्षात उदाहरण है, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रही हूं, एक स्टोरी की तरह समझो। जजमानी सिस्टम हमारे भारतीय समाज में, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी समाजशास्त्र में जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर थे। विलियम वाइजर ने, इनका नाम था विलियम वाइजर, और इन्होंने एक किताब लिखी थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। ध्यान से समझना, विलियम वाइजर ने एक किताब लिखी थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। इस जजमानी सिस्टम में आपने जजमानी प्रथा क्या होती है इसको बताया। काफी लोगों ने जब पढ़ा तो वो शॉक्ड रह गए, वास्तव में ऐसा है? और उन्होंने पहले करीमपुर के गांव, उत्तर प्रदेश के गांव का अध्ययन किया, लेकिन जब उन्होंने विस्तार से देखा तो लगभग भारत के हर हिस्से में ये जजमानी व्यवस्था देखी गई। और वास्तव में ये जजमानी सिस्टम क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। गांव में जो ग्रामीण एरिया होते हैं उसमें कुछ जो जमींदार होते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके परिवार बहुत कम होते हैं, ठीक है? मैं एक गांव की बात बता रही हूं। हर एक गांव में कुछ बड़े बड़े जमींदारों के या धनाढ्य लोगों के परिवार होते हैं। उनके पास बहुत सारी भूमि होती है, बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारी धन संपत्ति होती थी, है नहीं?
थी उस स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, मैं उस समय की बात कर रही हूं, उस समय उनके पास बहुत सारे गांव में खेती की जमीन, ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे पशु होते थे, बहुत सारे आय के साधन होते थे और वो अमीर होते थे। फिर गांव में तुमने सुना होगा धोबी, लोहार, कुम्हार, मोची, नाई, क्या इन सबको आप जानते हो? धोबी क्या करता है? ठीक है, अरे वाह, सब जानते हो। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार लोहे के औजार बनाता है, नाई ठीक है, मोची जूते सिलता है। कहने का मतलब देखो, एक सिस्टम होता है हर एक गांव में, धोबी, लोहार, कुम्हार, नाई, मोची, इस तरह की जाति के लोग निवास करते थे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ व्हाट इज जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था क्या है। तो गांव में बड़े बड़े जमींदार और साहूकार वर्ग होते थे और गांव में कुछ सेवा प्रदान करने वाली जातियां इनको कहा गया, जैसे धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, मोची, इनको क्या कहा गया? सेवा प्रदान करने वाली जातियां, सर्विस देने वाली। ठीक है, सेवा प्रदान करने वाली जातियां। तो ये क्या करती थी, हर साहूकार या जमींदार के घर, जैसे धोबी एक जमींदार का घर पकड़ लेता था और वो हमेशा अपने जमींदार की मदद करता रहता था, सुनती रहना मेरी बात, वो दूसरे तीसरे दिन जाता था जमींदार के घर, उसके सारे कपड़े लेके आता था, धो के दे के आता था। कुम्हार जितने भी मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ती थी, पहले पुराने जमाने में जब कुछ तीज त्यौहार उत्सव होता था, शादी विवाह, तो उसमें हमारे पास बर्तन नहीं होते थे, वो मिट्टी के बर्तन बनवाते थे, कुल्हड़, उनमें भोजन करवाते थे, ठीक है, ध्यान से समझिए। धोबी कपड़े धोता था, कुम्हार पूरे साल जमींदार को जजमान बोला जाता था। देखो इसका नाम जजमानी सिस्टम कैसे पड़ा, जो मैं तुम्हें अमीर लोगों की बात बता रही हूँ, जमींदारों की बता रही हूँ, साहूकारों की, उनका नाम था जजमान। जजमान मतलब वो जजमान होते थे और जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां होती थी वो होती थी लागदार, या उनको कुछ ऐसे शब्द हैं तो जो मुझे अच्छे नहीं लगते बोलने, तो जजमान होते थे और सेवा प्रदान करने वाली जातियां होती थी, तो वो जजमान की सेवा करते थे। धोबी कपड़े धोता था, कुम्हार पूरे साल मिट्टी के बर्तन बना बना के देना जैसी आवश्यकता होती थी। लुहार औजार से संबंधित, यदि जजमान का कोई भी काम हुआ, उसने कहा कि मेरे तुझे इतने औजार बनाने हैं, तो वो समय से अपने जजमान के औजार बना के दे जाता था। नाई अपने जजमान की सेवा करता था, ठीक है, बाल काटना समय समय पर, परिवार में जितने भी सदस्य हैं नाई से संबंधित जितने काम होते थे वो ही व्यक्ति करता था। इसी तरीके से मोची, सारी सेवा प्रदान करने वाली जातियां और सबके जजमान निश्चित होते थे। यदि गांव में 5 धोबी हैं तो हर धोबी का जजमान निश्चित होता था, यदि एक धोबी का एक जजमान है तो दूसरा धोबी उसके घर नहीं जाएगा। मतलब होता है ना, जैसे काम जो करता है वो परमानेंटली करता है। फिर जजमान क्या करता था, जजमान हर साल उन्हें जब उपज में से हिस्सा देता था, वो पैसे नहीं देता था, जैसे नाई बाल काट के गया तो जजमान ने पैसे दे दिए, नहीं, जजमान उसको हर साल उसके परिवार के लिए खूब सारा अनाज, समय आने पे कपड़े, उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, यदि किसी सेवा प्रदान करने वाली जाति के किसी लड़की का विवाह है, घर में कोई मर गया है या कुछ उत्सव है, तो समय समय वो अपने सेवा प्रदान करने वाली जातियों को समय समय पर खूब सारा अनाज, पकवान, महंगे कपड़े और समय आने पर उनकी मदद करते थे। एक तरह से गिव एंड टेक, वो सेवा देते थे, बदले में उनको अनाज और बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारी चीजें मिला करती थी। तो उनके आपस में इन लेन और देन, गिव एंड टेक, लेना वो सेवा देना, बदले में वो अनाज लेना या वस्तुएं लेना, चीजें लेना, उपहार लेना, और जैसे दिवाली, होली ऐसे अवसर आते थे उनको उपहार भी मिलते थे सेवा प्रदान करने वाली जातियों को। वो मालिक के खुश होके बहुत अच्छी सेवा करते थे कि मालिक हमसे प्रसन्न होगा और हमें और अच्छे उपहार देगा। तो इस व्यवस्था को विलियम वाइजर ने बोला जजमानी प्रथा, जजमानी सिस्टम, कि जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां हैं
जो अपने जजमानों की सेवा करती हैं और जजमान बदले में उनको अनाज, मूल्यवान वस्तुएं उपहार देता था। तो लेन और देन की इस व्यवस्था को विलियम वाइजर ने कहा जजमानी व्यवस्था। अब विलियम वाइजर कहते थे कि गांव में जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां होती हैं उनके जजमान उनकी संपत्ति की तरह होते थे। संपत्ति मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, मेरे पास एक कार है, एक बंगला है, ठीक है, मेरे पास हीरो का एक हार है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जजमान जो होते थे वो सेवा प्रदान करने वालियों की प्रॉपर्टी होते थे। जो जैसे नाई है, नाई का बच्चा हुआ तो वो भी उसी घर में सेवा देगा। कुम्हार है, कुम्हार की दूसरी पीढ़ी आई, बच्चे कुम्हार बुजुर्ग हो गया, ठीक है, और कुम्हार के लड़के ने कुम्हार का काम संभाल लिया, तो जो कुम्हार के लड़के होते थे वो भी उसी घर में सेवा देते थे। एक तरह से जितने भी जजमान होते थे वो उनकी प्रॉपर्टी होते थे, संपत्ति होते थे, और वो आपस में गिव एंड टेक, लेना और देना, इस प्रथा को जजमानी सिस्टम कहा गया। योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए बोला है, बच्चों जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतर जातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती है। पहले मैंने तुम्हें समझाया, अब मैं इस परिभाषा का मतलब, जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो गांव के अंतर जातीय मतलब एक जाति द्वारा दूसरी जाति के साथ जो लेन देन का संबंध है, अंतर जातीय संबंध, क्योंकि वो अलग अलग जाति के होते थे, नाई, धोबी, लुहार, कुम्हार, सब अलग अलग जाति के होते थे, तो ये अंतर जातीय संबंधों में पारस्परिकता मतलब जो इंटरचेंज होता था उसमें, सेवा देना बदले में उपहार लेना, सेवा देना बदले में अनाज लेना, तो पारस्परिकता पर आधारित संबंध होते हैं और उसी के द्वारा वो कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। कई बार जैसे बहुत से जजमान क्रूअल होते थे, क्रूअल मतलब बहुत वैसे कंजूस, कठोर दिल वाले, कभी कभी ऐसा भी होता था, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में मिला, क्योंकि जो वो सेवा करते थे वो अपने सेवा प्रदान करने वाली जातियों को भरपूर अनाज देते थे, खुश रखते थे एक तरह से, जिससे वो खुशी खुशी सेवा करके जाए। होता है ना, जैसे हम कोई बिजनेस चलाते हैं और हमने किसी को काम पे रखा है तो हम कोशिश करते हैं ये खुश रहेगा तो काम भी अच्छे से करेगा, है ना, तो यही उनका सिस्टम रहता था। तो इसी को योगेंद्र सिंह ने, ऑस्कर लेविस ने, सब ने इसी तरीके से जजमानी प्रथा को परिभाषित किया। अब आता है जजमानी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जजमानी सिस्टम, कि जजमानी प्रथा की क्या विशेषताएं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर, व्हाट इज जजमानी सिस्टम एंड डिफाइन द इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत अच्छा आंसर है, और कहानी की बात मैंने तुमसे इसलिए की थी क्योंकि इस चीज को आप लोग समझो, वेटो नहीं। अगर आप जजमानी व्यवस्था को समझ गए तो आपको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात मैं कई बार कहती हूँ कि हम लोग जब कुछ समझ जाते हैं तो उसको लिखना आसान होता है, और यदि ये तुम जजमानी सिस्टम को किताब से खोलकर पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है बच्चों, हमें समझ में नहीं आता है, हम समझ नहीं पाएंगे, फिर वो हम घंटों तक देखते रहते हैं। जैसे फर्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, सामुदायिक संगठन में सहायक, जो हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये हेल्पफुल होती है। कैसे होती है, जो प्राचीन काल होते थे, पहले कोई नाइन की दुकान नहीं हुआ करती थी, कोई बार बार नहीं हुआ करता था कि सलून खुला हुआ है या मिठाई की दुकान खुली है, ये ड्राई क्लीनर्स, आज हम देखते हैं हम अपने कपड़ों को, ड्राई क्लीनर्स महंगे कपड़े होते हैं तो ड्राई क्लीन के बाद ड्राई क्लीन करने दे आए, फिर हम अच्छे अच्छे बर्तन, जैसे बर्तन भंडार से स्टील के बर्तन ले आए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या होता था, हमारे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सामुदायिक संगठन, पहले की बात कर रही हूं, इस समय की नहीं, क्योंकि इस समय हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, ड्राई क्लीनर है, ठीक है, हमारे पास बूट हाउस है, हमारे पास सलून्स हैं, हमारे पास मिठाई की, खाने की बहुत सारी शॉप्स हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमारा कुछ खाने का मन करे हम तुरंत जाएंगे गीता बेकर्स पे। जैसे मैं कल गई और मैंने किसी से पूछा टीरी में कौन सा बेकर्स अच्छा है, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया गीता बेकर्स, तो हमारे पास ऑप्शन है। पुराने टाइम में कोई दुकान नहीं हुआ करती थी,
कोई बाजार नहीं होते थे, आपसी जो वो होता था सिस्टम कैसे चलता था, एक्सचेंज थ्योरी से, विनिमय सिस्टम, कि हम मेरे पास अनाज है तो मैं बदले में अनाज को देके सब्जी खरीद लूं, ठीक है, सब्जी है सब्जी को देके मैं चावल खरीद लूं, उसे कहते थे एक्सचेंज थ्योरी, विनिमय व्यवस्था, विनिमय सिद्धांत। तो पुराने जमाने में सिस्टम ऐसे चलता था, लेकिन आज की बात अलग है। तो जो हमारा पूरा सामुदायिक संगठन था वो ऐसे चलता था, कैसे, यजमानी व्यवस्था से। वो सामुदायिक, ये यजमानी व्यवस्था सामुदायिक संगठन में सहायक होती थी, क्योंकि लोगों को सेवा मिल जाती थी, सर्विस मिल जाती थी, और उन लोगों को अपने लायक, अपने परिवार को चलाने लायक खाने पीने का सामान, सब सुविधाएं मिल जाती थी। तो ये हमारे पूरे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो सिस्टम था बहुत हेल्पफुल था। और ये किसने बोला, विलियम वॉइजर ने। मानसिक सुरक्षा, एक तरह से हम कई बार कहते हैं ना हमारे मानसिक सुरक्षा, मेंटल पीस कह लो, मेंटल सिक्योरिटी कह लो, है ना, कई बार हम चिंतित रहते हैं। जैसे आज की तारीख में देखें, बहुत से लोग कहते हैं शादी हो जाए, जॉब लग जाए तब शादी होगी। लड़के अक्सर मैं देखती हूँ बहुत टेंस रहते हैं, अगर अच्छी जॉब मिल गई तो अच्छी लड़की मिलेगी, वो भागते रहते हैं। और इवन लड़की, गर्ल्स, या मैं तुम्हें अपनी बात करूं, हम लोग सोचते हैं हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो हमारा लाइफ अच्छी हो जाएगी। आज इस क्लासरूम में तुम जितने भी गर्ल्स, मुतली तुम सब गर्ल्स ही हो, क्यों बैठे हो, कि हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में उन लोगों को देखते हैं जो जॉब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग एक अच्छी लैविशली लाइफ जी रहे हैं, है ना, किसी से हाथ नहीं फैलाने पड़ते, अपनी सैलरी आती है तो हम अपने से अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो चाहत होती है मेंटल पीस की, मेंटल सिक्योरिटी की, कि हमारे पास अगर मेरी जॉब लग जाए तो मुझे पता है 1 तारीख को सैलरी खाते में आ जानी है, तो मैं मानसिक रूप से सेटिस्फाई हूं और बहुत खुश हूं। लेकिन एक बंदा जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई व्यवसाय नहीं है, उसे तो चिंता है ना, कल को रोटी कहां से आएगी, परसों को मैं अपने बच्चों को कहां से खिला पाऊंगा, आज का तो मैंने जुगाड़ कर लिया, कल को मुझे यदि मजदूरी नहीं मिली मैं अपने बच्चों को भूखा ही रहने दूंगा। तो कहने का मतलब, यजमानी व्यवस्था सेवा प्रदान करने वालों, जातियों के लिए एक मेंटल सिक्योरिटी का काम करती थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं बीमार हूं, काम पे नहीं गया तो मेरा यजमान मुझे समझेगा, वो अनाज फिर भी दे देगा, ये होता था, उनके पास मेंटल पीस होता था। तो इसलिए कहा जाता था मानसिक सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट सेंस में शांति एवं संतोष की भावना, सुकून रहता था, ठीक है। मालिक ने बुलाया, काम कराया, मालिक जैसे ही धान की कटाई होगी, गेहूं की कटाई होगी, फसलों का टाइम आएगा तो मालिक मेरा हिस्सा अलग रखवा देता है, वो बैलगाड़ी पे लाद के, ले भाई भोलू तेरा हिस्सा आ गया, रख ले अंदर, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। एक तरह से शांति, मानसिक सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, मतलब पीसफुल थी, ठीक है। स्थायी संबंध, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ये परमानेंट रिलेशन होते हैं जो यजमानी व्यवस्था के हैं। ऐसा नहीं है आज वो वाला नाई काट रहा है, जैसे हम लोग करते हैं, इसने बाल नहीं अच्छे काटे थे, अब की बार मैं इस पार्लर पे नहीं जाऊंगी, अब की बार दूसरा ट्राई करते हैं, उसका ऑफर चल रहा है, उसने ऑफर चला दिया 199 में हेयर कट, अब की बार तो इसकी जाऊंगी। पहले रिलेशनशिप परमानेंट होती थी, मतलब जो नाई, धोबी, लुहार, कुम्हार जिस यजमान को सेवा करता था, उसकी आने वाली आगामी पीढ़ियां भी उसी यजमान की सेवा करती थी। इसलिए इन संबंधों को कहा गया है परमानेंट रिलेशन, स्थायी संबंध, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें पैतृक संबंध, फिर वही बात, पैतृक संबंध मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, जो हमारे पिताजी के संबंध बन गए उनको बच्चे भुगतते थे, बच्चे उन्हीं का पालन करते आते थे। पिता बताता था, बेटा ये यजमान है, तुझे ये तेरी संपत्ति है, तुझे इन इन की सेवा करनी है। तो ये सब रिलेशनशिप जो होती थी परमानेंट होती, घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ मतलब एकदम पक्के, ऐसा नहीं आज यहां तो कल वहां, जैसे हम लोग आज यहां कल वहां परसों वहां, ठीक है, ऐसे संबंध नहीं होते थे, वो घनिष्ठ संबंध होते। अब आप समझ जाओगे इनको, बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर लोगे। इसी तरीके से व्यवसायिक आधार, उनका जो बेस होता था वो ऑक्यूपेशनल होता था, व्यवसायिक, क्योंकि धोबी का व्यवसाय होता था धोबी, लोहार का जो औजार बनाना ये व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन था,
कुम्हार का ऑक्यूपेशन था मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। इसी तरीके से नाई का ऑक्यूपेशन है ये बाल कटना, चंपी करना या और तरह के कार्य करना। तो ऑक्यूपेशनल जो इस जजमानी सिस्टम का बेस है वो बेस है ऑक्यूपेशनल, यानी व्यवसायिक, व्यवसायिक आधार है। क्योंकि हाँ क्या बेटा, हाँ हाँ कॉम्पिटिशन ना, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। वो तो फिक्स होते थे कि ये हमारी जो है जजमान ये फिक्स है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। कई बार देखो गांव में लोग, जैसे गांव में एक धोबी की लड़की, धोबी के लड़का नहीं है, एक एग्जांपल बताती हूँ, सिर्फ लड़की लड़की है और लड़की का विवाह हो गया। कई बार क्या होता था, वो जमाई को रख लेते थे तो वो जमाई उनकी सेवा करता था, कॉम्पिटिशन नहीं था बिल्कुल भी। वो जजमान उनकी, जैसे पासबुक होती है ना, पासबुक में मैंने तुमसे ऐसा बताया, जैसे मेरे पास संपत्ति है और संपत्ति मेरी है जब तक मैं किसी को नहीं दूंगी। बाय चांस उसने जमाई नहीं रखा, उसके एक ही लड़की थी और वो लड़की शादी होके चली गई। अब धोबी बीमार हो गया, वो सेवा नहीं कर पा रहा, तो गांव में वो दूसरे धोबी से कहेगा, भाई अब तू मेरे जजमान की सेवा कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और बल्कि उनमें सेवा प्रदान करने वाली जाति है, यदि कोई जाति जजमान की कोई दूसरी जाति सेवा करती थी तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाती थी। मैं अक्सर देखती हूँ, देखो मैंने तुम्हें बताया मैं कोटद्वार से हूँ, हमारे यहाँ ना जैसे घर में जो साफ सफाई के लिए आते हैं तो वो लोग बड़ी वो होती है कि मैडम के घर मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगी। तो एक ने कहा मैडम आपके ऊपर के पोर्शन की मैं कर लूं, भाई उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, मैडम का घर तो मेरा है तू कैसे कर सकेगी काम। तो वही फिर मुझे जजमानी सिस्टम याद आया कि ये जो उनका था वो बिल्कुल ना तो कोई कॉम्पिटिशन था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे आते थे, आगामी बच्चे सेवा करते जाते थे। यदि कोई सेवा प्रदान करने वाली जाति सेवा करने में सक्षम नहीं थी, वो खुद ही दूसरे व्यक्ति से कह देती थी कि ये मेरे जजमान अब तुम सेवा करना, है ना। और जाति पर आधारित ये जो पूरा सिस्टम था ये जाति पर आधारित था। जाति पर आधारित मैंने तुम्हें बताया ना, ये जो लुहार जाति होती है, कुम्हार, मोची, नाई, कहीं ना कहीं इनमें सब कैटेगराइजेशन, सब कास्ट सिस्टम होता है, ये इनकी क्या होती है उपजातियां। तो ये पूरा सिस्टम किस पर आधारित है, जाति पर आधारित। फिर कर्तव्य बोध, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जजमान की कब सेवा करनी है, मुझे जैसे किसी त्योहार से पहले जाना है, जजमान की लड़की की शादी है तो मुझे शादी के चार दिन तक जजमान के घर पे ही रहना है, सारी सेवा प्रदान करने वाली जातियां पूरे निश उत्सित रूप पे जाके जजमान के घर पे जाके, ये नहीं सिर्फ वो कपड़े ही धोती थी, फिर वो और काम में भी मदद करते थे। बदले में क्या मिलता था, पुरस्कार, उपहार, पकवान, ये सब बदले में मिलते थे। तो गिव एंड टेक मतलब लेना और देना। तो उनका कर्तव्य बहुत, उन्हें अपने एहसास था मुझे अपने जजमान की कैसे सेवा करनी है, सिर्फ ऐसे नहीं उसकी हर कंडीशन में मदद करनी है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ गया तो बीमार करने में वो सब लोग आ जाते थे, सेवा करते थे। जैसे पहले तो पालकी सिस्टम होता था, कोई बीमार हो गया तो दवा कराने जाना है तो पालकी में सब मिलके हेल्प करते थे। तो पूरा सिस्टम इतना अच्छा, तभी मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया सामुदायिक संगठन में सहायक, जो ये था ये जो पूरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था ये सिस्टम उसमें वेरी हेल्पफुल था। तो ये है बच्चों जजमानी व्यवस्था और जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं। क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, अदर कास्ट के पास अपनी छोटी छोटी भूमि के टुकड़े होते थे, जमींदारी प्रथा जो मैंने अभी अभी बताया था ना। हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ा है एक गांव में लुहार, कुमार, मोची, नाई यही सब हो, और सब भी होते थे। और सब क्या होते थे, उनके पास जैसे कोई पशुपालन का काम करता था, कोई भेड़ का काम करता था, कोई अपने छोटे छोटे खेतों पर अपने लायक ही उगा लेता था, इस तरीके से पूरा गांव का सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पूरा सोशल सिस्टम चलता था एक दूसरे। और जरूरी नहीं है सिर्फ ये जजमान की सेवा करते थे, और जो जातियां होती थी उनको भी ये जो इनके पास आते थे उनका भी काम करते थे। जरूरी थोड़ी ना एक कुमार सिर्फ उसी जजमान के लिए बनाएगा और किसी के लिए नहीं बनाएगा। दूसरे गांव में जब हाट, हाट तुम्हें पता है ना, हफ्ते में एक बार पीठ या हाट बाजार लगा करते थे, बाकी के बर्तन वो हाट में जाके बेचा करते थे, औजार जैसे बना दिए, एक्स्ट्रा बन गए, वो हफ्ते के हफ्ते जाके अपने हाट में बेचता था। तो ये रिलेशन